मैं नीरा दिनेश गुप्ता। ये हरियाली तीज उत्सव जो मनाया जा रहा है आगरा में, आगरा मंडल, फतेहाबाद मंडल, फिरोजाबाद मंडल, बाहर से हमारी महिलाएं, कम से कम 300-400 महिलाएं आएंगी इस प्रोग्राम में। और रेट्रो थीम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, मल्हार आदि ये प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। और कुछ हम लोग सेवा कार्य भी करना चाहते हैं इस अपने माथुरबाई जो संस्था है, इस संस्था के दिशा में हम एक सेवा कार्य भी करना चाहते हैं, जो हमारी असहाय महिलाएं हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें। कुछ शिक्षा क्षेत्र में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनकी शिक्षा के लिए हमने ये सभी बहनों से आग्रह किया हुआ है कि आप बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी शिक्षा की फीस है या बुक्स है, उनका जो खर्चा है, कि हमारी समाज की महिलाएं उनको पढ़ा के वो आगे जा सकें और कुछ आगे बन सकें हमारे समाज के बच्चे। ये आगरा मंडल के द्वारा आगरा मंडल में पचकुया भवन पर ये कार्यक्रम हरियाली तीजों का आयोजित होने जा रहा है। इसमें समस्त मातृवैश्य मातृशक्ति सम्मिलित होने जा रही है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। जैसा कि सावन का महीना है और हर बहन अपने मायके जाती है, तो यहाँ एक मायका भी बनाया जा रहा है और ऐसा बहनों को फील कराया जा रहा है कि वो सब अपने मायके में आएंगी। और हरियाली तीज का कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में इस बार कुछ एक नया हम लोगों ने करने के लिए सोचा है, जिसमें कि रेट्रो थीम, कि जो पुरानी हीरोइंस हैं उस वाले लुक में बहनों को आना है। बहनों में बड़ा उत्साह है, सभी बहुत खुश हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं। लगभग हमारी 30 से 40 बहनें इस थीम में आ चुकी हैं। तंबोला भी है, डांस प्रतियोगिता भी है और मल्हार भी है, जो हमारी संस्कृति को दिखाती हैं। और इन्हीं सब कार्यक्रमों के साथ साथ हमने इस वाले कार्यक्रम में सभी बहनों को आमंत्रित किया है और बहनें आ भी रही हैं और इस कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सभी बहनें बहुत खुश हैं। आगरा मंडल, फिरोजाबाद मंडल, फतेहाबाद मंडल और भी बाहर से सभी मातृवैश्य मातृशक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रही है। शालिनी दिनेश गुप्ता। सावन का महीना होता है, चारों तरफ हरियाली रहती है। इस हरियाली को देखते हुए ही हर लेडीज के मन में उमंग जागती है, वो भी सोचती है कि मैं नाचूं गाऊं झूमूं। इसी को लेकर हम ये हरियाली तीज का उत्सव मनाने जा रहे हैं। इसमें सभी जगह से बहनें आकर इकट्ठी होकर अपने अपने प्रतियोगिताओं में दिखाएंगी और सभी काफ़ी जोश में हैं।